नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इस एडिटोरियल के अंदर कहा क्या जा रहा है, रैलिंग टुगेदर यानी कि साथ साथ संगठित होना, अ वाइबल अल्टरनेटिव मस्ट बी फाउंड टू द बीजेपी। कहा जा रहा है एक संभावित या जो चलने लायक जो विकल्प है वो जरूर से खोजा जाना चाहिए, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, आगे देखें क्या कहा जा रहा है। अ वाइबल अल्टरनेटिव मस्ट बी फाउंडेड ऑन मोर देन जस्ट अ शेयर्ड एंटीपैथी टू द बीजेपी। अब देखो, इसके अंदर एक शब्द है एंटीपैथी। एंटी जहाँ भी आए तो इसका लेना देना अपोजिट से और पैथ का लेना देना इमोशन से होते हैं। तो जब आपकी इमोशन किसी के खिलाफ हो तो वो घृणा या डिटेस्ट जैसी स्थिति है। वाइबल अल्टरनेटिव मस्ट बी फाउंडेड ऑन मोर देन जस्ट अ शेयर्ड एंटीपैथी टू द बीजेपी। कहा जा रहा है कि एक संभावित विकल्प जरूर से बनाया जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो कि किसके आधार पे ना हो, ठीक है, एक साझा घृणा के आधार पे ना हो, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो ये कहा जा रहा है कि यदि सारे दल की घृणा है बीजेपी के खिलाफ और इसके आधार पर यदि कोई आप चीज़ों को संगठित करना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इसका जो आप समझें कि हिडन मीनिंग है, रीड बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं। देखें आगे, Not all political alliance increase the winning chances of the constituent parties। कहा जा रहा है कि सभी जो राजनीतिक गठबंधन है वो बढ़ाता नहीं है जीतने की संभावना को। ठीक है, जो भी इसके क्या है भाई, constituent parties हैं, घटक दल हैं, यानी कि घटक दल के जीतने की संभावना को सभी के सभी राजनीतिक गठबंधन बढ़ाते नहीं हैं। At the Patna rally on Sunday called by the राष्ट्रीय जनता दल chief लालू प्रसाद, पटना की रैली रविवार को जिसका आह्वान किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद के द्वारा। 18 अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। 18 जो विपक्षी दल थी वो साथ साथ आई एक मंच पर, किसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन मेक मीनिंगफुल अलायंस, लेकिन इनमें से सभी एक सार्थक या अर्थपूर्ण गठबंधन नहीं बनाएंगे। द वोट बैंक ऑफ मेनी ऑफ देम आर इन अ डिफरेंट स्टेट। कहा जा रहा है कि इनके जो वोट बैंक है यानी कि इनकी जो समर्थकों का जो समूह है वो अलग अलग राज्यों में है। एंड देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ देयर बीइंग एबल टू हेल्प इम्प्रूव द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वन अनदर। और बहुत ही कम संभावना दिखती है कि ये एक दूसरे के जो प्रॉस्पेक्ट हैं, एक दूसरे का जो जीत की जो संभावना है उसको बेहतर कर पाएगी। द तृणमूल कांग्रेस लीडर एंड द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल गेन नथिंग बाय ज्वाइनिंग हैंड्स विद द आरजेडी। कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है जब वो हाथ मिलाएंगे किसके साथ, आरजेडी के साथ, विच हैज नेग्लिजिबल प्रेजेंस आउटसाइड द बिहार। और आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है जिसके ना के बराबर जो है उपस्थिति है बिहार के बाहर। और द समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी हुज बेस डज नॉट एक्सटेंड मच बियॉन्ड उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है जिसका कि आधार जो है वो उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली नाइदर मिस्टर प्रसाद नॉर अखिलेश यादव ऑफ द SP हैज मस्ट टू गेन फ्रॉम टीमिंग अप विद द तृणमूल। ठीक इसी ढंग से ना ही वहाँ से प्रसाद या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं हैज मस्ट टू गेन, वो बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं रहेंगे फ्रॉम टीमिंग अप विद द तृणमूल, जब वो तृणमूल के साथ इकट्ठे होंगे, शामिल होंगे। तो कहा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से देखें, या तो ममता बनर्जी की तरफ से देखें या लालू प्रसाद की तरफ से देखें या फिर आप अखिलेश यादव की तरफ से देखें, चूँकि ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं तो अपने अपने क्षेत्र में इनका वोट बैंक तो है, ठीक है, समर्थकों का समूह तो है, लेकिन एक दूसरे को कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे इसके चांसेस जो हैं वो देखने लायक होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये ना के बराबर होगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा।
ओनली द कांग्रेस विद नेशन वाइड प्रेजेंस, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिसका राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है, कैन होप टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट रीजनल पार्टीज। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है, वो सिर्फ आशा कर सकती है कि भैया उसको फ़ायदा होगा इन सारे क्षेत्रीय दलों के साथ आने से। द कांग्रेस इज़ ए स्मॉलर प्लेयर इन द वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस एक बहुत ही छोटा खिलाड़ी है, यानी कि उसकी बहुत वजूद बहुत ही कम है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बट इट्स नेशनल लेवल एम्बिशंस विल गेट ए बिग बूस्ट इफ द तृणमूल, द एसपी एंड द आरजेडी कम टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। लेकिन इसके राष्ट्रीय स्तर का की जो महत्वाकांक्षा है उसको बहुत ही ज़्यादा बल मिलेगा यदि तृणमूल, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, ठीक है, एक ही मंच पर साथ साथ आ जाए। इन द प्रजेंट सर्कमस्टांसेज, मौजूदा स्थिति में, द कांग्रेस कैन एमर्ज एन अल्टरनेटिव टू द बीजेपी ओनली एट द हेड ऑफ अ कॉलिशन ऑफ रीजनल पार्टीज। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस उभर के आ सकती है बीजेपी के विकल्प के रूप में, सिर्फ और सिर्फ किस रूप में, क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के नेतृत्व के रूप में, यानी कि क्षेत्रीय दलों के गठबंधन का यदि नेतृत्व कांग्रेस करे तब जाके कहीं वो बीजेपी के लिए एक विकल्प हो सकती है, ठीक है, उसको चुनौती दे सकती है। बट इट विल हैव टू डू लॉट मोर देन ब्रिंग डिफरेंट पार्टीज फ्रॉम डिफरेंट रीजनल टुगेदर। लेकिन इसको और भी बहुत कुछ करना है, ठीक है, सिवाय इसके कि वो अलग अलग दलों को अलग अलग क्षेत्रों से साथ ले आए। इट विल नीड टू स्टिच टुगेदर फाइबल अलायंस इन ईच स्टेट। जरूरत ये है कि वो एक संभावित गठबंधन बनाए प्रत्येक राज्य में, इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पे, द कांग्रेस कैन नॉट होप टू टाई अप विद बोथ द तृणमूल एंड द लेफ्ट फ्रंट। कांग्रेस ये आशा नहीं कर सकती है कि वो तृणमूल या फिर जो वाम मोर्चा है उसके साथ कोई गठबंधन कर सके। द पार्टी माइट हैव टू वॉक अ फाइन पोलिटिकल लाइन टू कीप डिस्पेरेट तो व्याकुलता होती है यहाँ पर, DISPARATE, डिस्पेरेट का मतलब अलग अलग से, ठीक है। तो देखें, द पार्टी माइट हैव टू वॉक ए फाइन पोलिटिकल लाइन टू कीप डिस्पेरेट एलिमेंट टुगेदर एट द नेशनल लेवल। तो दल को ज़रूरत ये पड़ेगी कि वो एक बहुत ही नाजुक सा राजनीतिक रुख अख्तियार करें, जिससे कि अलग अलग जो तत्व हैं, ठीक है, उसको साथ रखा जा सके, साथ लाया जा सके राष्ट्रीय स्तर पर। फॉर मिस्टर प्रसाद, द रैली वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए पोलिटिकल स्टेटमेंट आफ्टर बींग डम्प्ड बाई द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। जहाँ तक वहाँ से प्रसाद का, लालू प्रसाद का सवाल है, वो ये जो रैली थी वो एक मौका था अब एक राजनीतिक वक्तव्य देने के लिए, यानी कि अपने राजनीतिक दमखम को दिखाने के लिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, डंप्ट कर दिया गया, एक तरह से देखें तो हाशिए पे रख दिया गया। इट वॉज ऑल्सो एन ओकेजन टू शेयर द स्टेज विद द जनता दल यूनाइटेड डिसिडेंट्स लीडर शरद यादव। यह एक मौका था कि वो मंच को साझा करें जनता दल यूनाइटेड के विरोधी नेता शरद यादव के साथ, हु डिफाइड मिस्टर कुमार एंड चोज टू स्टे विद द ग्रैंड अलायंस, जिसने कि वहाँ से कुमार का विरोध किया, ठीक है, उनकी बातों का उल्लंघन किया, ठीक है, और ये चुना कि वो महागठबंधन के साथ बने रहें। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट विदाउट मिस्टर कुमार द ग्रैंड अलायंस इज नॉट द सेम इन साइज और शेप। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि बिना मिस्टर कुमार के, नीतीश कुमार के, जो ये महागठबंधन है वो उसी आकार और प्रकार में नहीं है, एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक ऑन द कम्बाइंड माइट ऑफ द बीजेपी एंड द रूलिंग फैक्शन ऑफ द ZDU। और कहा यह जा रहा है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक ऑन, ठीक है, और ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो मुकाबला करेगा, टेक ऑन का मतलब मुकाबला करने से, ऑन द कम्बाइंड माइट ऑफ द बीजेपी एंड द रूलिंग फ्रैक्शन ऑफ द ZDU, ठीक है, जो साझा जो शक्ति है बीजेपी और सत्तारूढ़ जो गुट है ZDU का, यानी ZDU की जो सत्तारूढ़ गुट है नीतीश कुमार वाली, और दूसरी तरफ बीजेपी, ये जो एक बहुत फॉर्मिडेबल या बहुत ही जो मजबूत गठबंधन बनी है, तो इसको कहीं ना कहीं चुनौती देने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की जो जोड़ी है, या वो जो एक
महागठबंधन है पुराने समय का, वो चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। द सिचुएशन इज नॉट वेरी डिफरेंट इन उत्तर प्रदेश वेयर द कांग्रेस अलायंस विद द एसपी इज नॉट एनफ टू बेस्ट द बीजेपी। कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में भी अलग नहीं है, जहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ वो इतना पर्याप्त नहीं है कि बीजेपी को क्या कर सके, एक विरोध कर सके, उसको एक चुनौती दे सके, या इस अलायंस से वो या इस गठबंधन से वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। विदाउट मायावती ऑफ द बहुजन समाज पार्टी ऑन बोर्ड, बिना मायावती के जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं ऑन बोर्ड, यानी कि इनके साथ होने के बिना, ठीक है, द अलायंस वुड नॉट गेन द क्रिटिकल मास टू फाइट द बीजेपी। तो कहा जा रहा है गठबंधन को इतनी शक्ति या इतनी मजबूती नहीं मिलेगी कि वो बीजेपी के साथ क्या कर सके, लड़ सके। वेदर द कांग्रेस कैन इंडीड ब्रिंग टुगेदर एट द नेशनल लेवल पार्टीज अपोज टू वन अनदर एट द स्टेट लेवल इज डाउटफुल। लेकिन क्या कांग्रेस सही मायने में साथ साथ लाने में संभव हो पाएगी राष्ट्रीय स्तर के दलों को, राष्ट्रीय स्तर पर दलों को जो कि एक दूसरे के खिलाफ है राज्य स्तर पर? ये तो देखने लायक बात होगी, ये शंका की बात है। मतलब ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस में ये क्षमता है कि उन दलों को जो कि क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको वो साथ साथ केंद्र स्तर पर ला पाएगी? ये तो शंका की बात है, ये देखने लायक बात होगी। बट इवन इफ इट मैनेज दैट फीट, लेकिन यहाँ पर फीट का मतलब पैर से नहीं, उपलब्धि से। बट इवन इफ इट मैनेज दैट फीट, लेकिन यदि ये उपलब्धि को ला भी पाती है, कर भी पाती है, द रियल चैलेंज विल बी टू प्रेजेंट ए वायबल नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। तो वास्तविकता में जो चुनौती होगी कि वो एक संभावित राष्ट्रीय विकल्प दे बीजेपी को एज द हेड ऑफ ए कोहेसिव कोलिशन विथ वेल डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और वो भी किस रूप में, एक मुखिया के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में, कि साथ साथ चलने वाले गठबंधन का विथ वेल डिफाइंड पॉलिसी, जिस गठबंधन का क्या होगा कि एक पहले से, ठीक है, अच्छे से परिभाषित क्या होगी, नीति होगी, ठीक है, कार्यक्रम होगी। तो ये कहा जा रहा है कि यदि ये साथ साथ ले भी आए ऐसे क्षेत्रीय दलों को जो आपस में भिड़ते रहते हैं क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर, ठीक है, और जब उनकी लड़ाई बीजेपी से होनी है और उन सबों को वो राष्ट्रीय स्तर पर साथ साथ ले भी आए, तब भी ये देखने लायक बात होगी कि क्या ये साथ साथ रख पाएंगे और क्या इस ये जो गठबंधन होगी उस गठबंधन का पूर्व परिभाषित नीतियाँ होगी और कार्यक्रम होगी। फॉर दैट, इसके लिए अ शेयर्ड एंटीपैथी टू बीजेपी इज़ नॉट एनफ, कि एक साझा जो घृणा है बीजेपी के लिए वो पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं उस साझा घृणा से परे जाकर गठबंधन करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द हिडन मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंक्लूसिव लाइन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एज फार एज टूडेज एडिटोरियल इज़ कंसर्न। थैंक यू फॉर बींग विथ अस। थैंक यू।